दोस्तों हम अपनी मेन लोकेशन पर आ चुके हैं। अब आपको किला बताता हूँ, ये सामने दिख रहा है जो किला है। अब ऊपर चलकर बताएंगे, यहाँ पर भूत वगैरह भी रहते हैं, सुना है काफ़ी लोग बोलते हैं गांव के, तो अंदर चलकर बताएंगे। हमारी पूरी टीम है ये, देखिए। तो चलते हैं आगे। हर बाइक किले में लोग क्यों आने से डरते हैं गांव के लोग? अब ऐसा तो हमको पता नहीं किले में क्यों आने से, पर हमने सुना है, जैसे नीचे देखा है, हमने गांव वाले लोगों से पूछा है, इसमें चुड़ैल भूतड़ी इनका साया ये चारों तरफ रात रात में इसमें से आवाज आती थी, एक डरावनी डरावनी सी। इसी को जांच करने के लिए आज हमारे गांव के अंकित भाई और मैं और देवेंद्र भाई इसमें ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं। अब देखते हैं आगे चल के इसमें होता क्या है, ऐसा तो पता नहीं। आ चलते हैं, देखते हैं अपन इसमें क्या। देखो दोस्तों, मैं ऊपर आ चुका हूँ, ये काफ़ी ऊंचाई पर है। आपको बताता हूँ, नीचे देखिए आप, ये देखो ये कितना ऊंचा है, ये देखो। और काफ़ी बड़ा किला है। देखो दोस्तों, हम अंदर आ चुके, अंदर आपको बताते, देखो कितना डरावना है ये, देखो ये। तो दोस्तों अब और ऊपर चलते हैं, आपको आगे चलकर और बताते हैं। दोस्तों किले के अंदर देखिए कितना बड़ा बाइक किला, काफी ज्यादा नष्ट हो चुका है। इसलिए देखिए आप, देखो दिखा रहे एक बार किले को। भाई क्या लगता है इसमें भूत रहता है? एक तो यार इसमें भूत रहता है, ओ भाई मेरे को तो ऐसा लगता है इसमें भूत रहता है, देखो भी ऐसा ही लगता है। देखो क्या लगता है, मैंने कुछ जाता देखा तो जैसा कि गाइस आपने देखा कि हमारे आंखों के आगे से कुछ गया था, इसको तो दिखा नहीं लेकिन हमने देखा नहीं, और फिर भी कुछ गया था। चलो देख के आगे चल के चल के देखा क्या आता है, चलो ऊपर चलते हैं। मैं तो आगे नहीं चल रहा, मेरे को डर लग रहा है, मैं कुछ दिखाता। अरे कुछ नहीं है, चिंता की बात है, साधन नहीं नहीं भाई, अब पीछे नहीं नहीं 2 मिनट। अरे नहीं, हम के साथ है ना भाई, मेरे को डर लग रहा है। अरे कोई नहीं, तुम्हारी चलो फारू भाई अंदर चलते हैं, इसको तो देखते हैं, इसको मिलिए बोझ नहीं अपन को जरूरी है। देखो यहाँ कुछ पढ़ा है शायद, ये देखो मैं बोल रहा था ना, ये उसके ये देखो, तुमने विश्वास नहीं किया है, नहीं है बता तुम यार किसी तो भाई लूगड़े के वो लग रहे हैं, लूगड़े के रियल में यार भाई, तुम मानते रहे नहीं हो ऐसे, तो मुझे तो कोई घूमना हमारे नहीं नहीं उसके लिए मानो फिर अब चलो चलते हैं मैं उनके साथ यार, किसी ने मेरा आपको हेलो बस आपका क्या क्या इसमें कुछ नहीं है बता, अभी कहां पर है विश्वास नहीं करता, अभी तुम्हें नहीं दिखा था, हमें नहीं दिखा। देखो आवाजें भी आ रही है,
अब आगे ये देखो मैं बोल रहा हूँ भाई तुमसे, मैं तो नहीं जा रहा हूँ आगे। ये देखो अब आगे कितनी मेहनत आ रही है। दोस्तों किले के ऊपर पहुंच चुके हैं, आपको एक रहस्य की बात बताऊं तो किले के अंदर आ जाओ। दोस्तों देख सकते हैं इस किले के बीच जो सेंटर है बीच में पानी भरा हुआ है, आप देखिए मतलब अजूबे को देखिए मतलब चीज को। तो पानी कहां से आता है फारूक भाई, पानी कहां से आता है, आपको क्या लगता है इस पानी? ये तो पता नहीं है भाई, ये रहस्यमय जगह है, इसमें भूत भी देखने को मिले हमारे अंकित भाई को, साथ में अंकित भाई को भूत देखने को मिले हैं। ये अब आगे जाने के लिए मना कर रहा है, न बोल रहा रिक्स लिए काम हो सकता है, ये तो घर जाने के लिए तैयार है भाई। हमारे कैमरे भाई वाले को भी डर लग रहा है, इसलिए हम आगे जाने की थोड़ा रिक्स समझ सकते हैं। और ये कुआ हमने सुना है ये पानी इसमें हजारों साल पुराना है, मतलब बहुत साल पुराना, राजा महाराजा उनकी रानियां इधर स्नान करा करती थी, ऐसे भरा रहता है और इधर ऐसे भरा रहता है, इसलिए हम अब जाने की सोच रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हमारा अंकित भाई हमको भी कुछ दिखा है यहाँ पर, दादा हमने देखा हो तो लुगड़ी के आपको बीत दिख। दोस्तों हम जैसे इस किले के अंदर से हम जा रहे हैं, दोनों भाइयों को काफी ज्यादा डर लग रहा है, अब क्या कहना चाहूँ? मेरे को भी डर लग रहा है, मेरे को भी डर लग रहा है, पहले वो इतना बड़ा इंसान है वो कुछ देख के बोला। चलो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं भाई, ब्लॉग बनाने तो ब्लॉग आए थे पर कुछ और बन गया, घर वाले भी लड़ेंगे ऐसा बोलेंगे कहाँ पे आ गए, चलते हैं। दोस्तों आप जैसे ही देख सकते हैं जो किला था उस किले से हम बाहर आ चुके हैं, हमारी जो टीम थी वो ये टीम थी, जो आधी टीम थी वो तो गई नहीं भीतर अंदर क्योंकि उस काफी सारों को डर लगता था। आप फारूक भाई क्या लगते हैं आपको, क्यों डर लगता था भाई? लगता है तो मेरे को भी ऐसे इसमें कुछ है रहस्यमय, पर ये हमको भी पूरा दिखा नहीं है, थोड़ा थोड़ा तो हमको दिखा, अंकित भाई को तो शायद मेरे को लगता है पूरा दिखा, पूरा पूरा दिखाता, मैं तुमसे बोल भी रहा था यार कुछ है, आप देख सकते हैं दोस्तों, देखो देखने को क्या मिला तेरे को? मेरे को कुछ ऐसा लाल लाल सा कुछ ऐसा फेन के रखा था, वो बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा था और जैसे हम पास जा रहे तो भाग रहा था भाई। दोस्तों इस वीडियो को हम एंड करें, इस वीडियो को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और हमें फेमस करो, नीचे फेमस कर दो, आग लगा दो, वीडियो फैल जानी चाहिए पूरे भारत में, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम चलते हैं।